भैया मेरे पापा एक्सपायर हो गए सडन हार्ट अटैक के कारण। सॉरी भाई, कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो बताइयो। चाहिए ना भैया, मेरे पापा के नाम पे ना एक NPS फंड है, वो कैसे मिलेगा, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। देख, तुझे KYC फॉर्म, बैंक अकाउंट, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब चाहिएगा। डिटेल्स कैप्शन में डाल दी है, जाके देख लियो। वो तो ठीक है भैया, मगर टैक्सेबिलिटी तो बता दो। देख भाई, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंटायर कॉर्पस जो भी मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब टोटल एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मगर मेरे पापा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे भैया। तो उस केस में अगर कॉर्पस 5 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, मगर अगर कॉर्पस 5 लाख से ज़्यादा है उस केस में सिर्फ 20% पैसा ही विड्रॉ करवाया जा सकता है जो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। रेस्ट 80% ड्यूस होगा टू परचेज डिफॉल्ट एन्युटी, एंड जो एन्युटी इनकम जनरेट होगी उससे वो टैक्सेबल होगी एज पर स्लैब रेट। थैंक यू भैया, चलता हूँ। अरे और भाई चिराग कैसा है, कल जिंदा हो? सारी उम्र मैं जोकर जा बड़े आ रहा तेरे पीछे, ये जिंदगी सरकस।